वेलकम टू माय चैनल रक्षा आरजू की रसोई में आज हम बना रहे हैं फिज्जा, ब्रेड फिज्जा। यह बनाना बहुत ही आसान है। आप देखिए किस तरह मैं यह फिज्जा बना रही हूँ। यह मैंने 4 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और मैं इसमें टमाटो सॉस लगा रही हूँ। इस तरह से आप इसकी टॉपिंग करें। मैंने अच्छे से इसमें सॉस लगा दिया है। अब इसकी टॉपिंग करते हैं। सबसे पहले यह फिज्जा बनाना बहुत ही आसान है, एक बार ज़रूर बनाकर देखें। इसकी टॉपिंग के लिए मैंने यह प्याज के छोटे छोटे से स्लाइस काट लिए हैं। इस तरह से इनको जमाते हुए रखें। यह टमाटर हैं, इनके भी मैंने स्लाइस कर लिए, और यह शिमला मिर्ची है, इसके भी मैंने स्लाइस कर लिए लंबा लंबा। यह फिज्जा बनाना बहुत ही आसान है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं, पर मेरे पास अभी शिमला मिर्च है, मैं इन्हीं से फिज्जा बना रही हूँ। यह मैंने टेस्टी नमक डाला है, आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें यह पिसा हुआ जीरा डाला है, और यह चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर डाली है। आपके बच्चे को यदि तीखा पसंद ना हो तो कम डालें। यह चिली फ्लेक्स है, इसको भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं थोड़ा तीखा बना रही हूँ इसीलिए मैंने इसमें थोड़ी मिर्ची की क्वांटिटी ज़्यादा की है। और यह अमूल चीज़ है, इस तरह की टिक्कियाँ निकलती हैं, इसको एक ग्रेटर की सहायता से इस तरह से ग्रेट कर दें, नहीं तो आप इसके टुकड़े कर कर भी डाल सकते हैं। इसको इस तरह से ग्रेट करके डाल दें। यह फिज्जा बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। आप तवे पर भी बना सकते हैं, मैं आज यह फिज्जा तवे पर बना रही हूँ, नहीं तो आप माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। सबसे पहले इसमें 1 चम्मच मैंने शुद्ध देसी घी डाला है, आपके पास बटर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। यह फिज्जा 5 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाता है। एक बार ज़रूर ट्राई करें, फिर कमेंट में बताना आपकी यह रेसिपी कैसी बनी है। इसको हमें 2 मिनट तक इसी तरह कवर करके रखना है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। फिज्जा हमारा बनकर तैयार है। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताना यह रेसिपी कैसी लगी है। इसको 2 भाग में डिवाइड कर लें। इस तरह से सैंडविच की शेप में इसको मैंने कट कर दिया है। फिज्जा की रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करें। थैंक यू।